जी, सम्मानित मन और मेरे सामने बैठे हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माता बहने और पत्रकार बंधुओं, भाइयों, चुनाव देश बनाने का है, चुनाव राष्ट्र बनाने का है। 2022 में सरकार को लाना जरूरी है और सरकार, आप जानते हैं, सरकार मतों के द्वारा आती है। जितने अधिक से अधिक वोट डालेंगे उतनी ही जरूरी है। बिना वोट के लोकतंत्र में सरकार नहीं बना करती। रही बात काल की, तो आपने देखा है कानून व्यवस्था का कितना बुरा हाल था, गन्ने का कितना बुरा हाल था, दो दो दिन का पेमेंट हमने दे। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे किसान धरना दिया करते थे, तब दो दिन का पेमेंट आया करता था गन्ने का, और उसमें भी आदमी किसी की पर्ची आ गई, किसी की पर्ची नहीं आई। किसानों की इतनी बुरी हालत थी कि किसान अपना खर्चा नहीं चला पा रहे थे। लेकिन आज आपको पता है, 15 दिन पूरे नहीं हुआ, 14 दिन का वादा सरकार ने किया था कि हम जैसे ही आएंगे स्थिति सुधारेंगे गन्ने के पेमेंट की। 1.5 लाख करोड़ का गन्ना पेमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, और पिछला पेमेंट जो रुका हुआ था वो भी किया है, और इस बार आप देख रहे हैं कि 14 दिन होते नहीं और पेमेंट आपके खातों पर पहुंच जाता है। रही बात सुरक्षा व्यवस्था की, आप जानते हैं 2017 से पहले सुरक्षा व्यवस्था की क्या हालत थी। हमारी बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल सकती थी, हमारी मोटरसाइकिलें चोरी होती थी। चोटीगंज का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। आपको पता है, पूरे देश से जो भी मोटरसाइकिलें गाड़ियां आती थी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आके सोतीगंज में कट जाया करती थी। आपने देखा होगा भैंसों की चोरी, मोटरों की चोरी, और सबसे बड़ी बात, जब किसी के किसान का ट्रांसफार्मर बुक जाया करता था तो पैसे इकट्ठे करते थे सभी लोग, और उसके बाद में 15 दिन लगते थे ट्रांसफार्मर आने में, और अब सिर्फ एक कॉल करने की जरूरत है और 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर 12 पर रखा जाता है। बिजली 12 घंटे दिन में आ रही है। सबसे बड़ी बात है, जरूरत किसान की बिजली दिन में चाहिए, किसान को बिजली दिन में मिल रही है। भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें योगी जी के हाथ मजबूत करने हैं, हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, हमें राष्ट्र बनाना है, और यदि राष्ट्र के लिए हमें राष्ट्र बनाना है तो हमें किठोर विधानसभा को जिता के देना होगा। योगी जी वैसे ही मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे, हमें हर एक विधानसभा को जिता के देना होगा। और किठोर विधानसभा में आपको बताना चाहता हूँ, अब किठोर विधानसभा को इस बार 25 से 40 हजार वोटों के अंतर से जीत रहे हैं, कम से कम 25 हजार वोट थे, और हो सकता है हम 40 हजार वोटों से इस विधानसभा को जीते। और एक बात और मैं हर जगह कहा करता हूँ, उस बात को बता दूं कि एक दरोगा